कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश। कैथल जिले में आए बदिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। कैमरे के कारण कहीं ना कहीं यह समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है, गहरा जाती है। इसी प्रकार का एक और मामला सामने आया। इस समय हम मौजूद है कैथल के पद्मा सिटी मॉल के बाहर, जहां पर चोरी की वारदात को चोरों ने आज फिर अंजाम दे दिया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जिनकी बाइक चोरी हुई है और किस समय यह आई और कैसे चोरी हो गई। राम राम भाई। राम राम भाई। तो भाई क्या नाम है भाई साहब? भाई मेरा नाम अभिषेक गिल है। अच्छा, बाइक चोरी की आप घटना बता रहे हैं, किस समय आए थे और कैसे हो गई? भाई 11:30 बजे आए थे भाई उड़ा। अच्छा, और आधा घंटा कुछ काम था मतलब मॉल में, जो खरीदारी करनी थी। पर वापिस आए भाई 20 मिनट या 25 मिनट लगी होंगी, ज़्यादा भाई आधा घंटा लगे होगा। वापिस आए, चाबी हमारे पास थी भाई। वापिस आए तो ढूंढी बाइक, कहीं नहीं मिली भाई बाइक। हमने देखा कई बार सिक्योरिटी वाले इधर उधर खड़ी कर दे, मतलब बाइक कहीं भी नहीं मिली। कैमरे वाले के पास, इनके मॉल वालों को हमने कहा कि सर ऐसे ऐसे हो गया, बाइक चोरी हो गई है, बाइक नहीं मिल रही, एक बार फुटेज चेक करा दो भाई कि मिल जाएगी इधर उधर जिसने भी उठाई होगी। अच्छा, तो मैनेजर पहले तो मिला नहीं, बहुत देर में आया, 5-10 मिनट के बाद आया। बोर्ड भी उन्होंने उल्टा कर रखा था, मतलब अपने जिस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ मैनेजर का साइड में रख रखा था। हमने वो सीधा करया तो फ़ोन करया, वो आए 10 मिनट में। फिर वो बोले भाई इनका कैमरे यार चलते नहीं। मैं भाई यार मॉल है, आपके मॉल के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करी है, आपका फर्ज बनाया है कोई भी बात हो, अगर मॉल के सामने कोई भी चीज़ खड़ी है तो आपके सामने खड़ी है तो आपकी जिम्मेवारी होगी। तो बोले भाई कैमरा एक तो यूँ लग रहा है, सीढ़ी के पास में देखो कैमरा लगा जरूर रखे लेकिन चलता को नहीं भाई। अच्छा, पूछ लिया सारा कुछ भी? हाँ पूछ लिए, साफ हाथ खड़े करके भाई। अच्छा, कि भाई हमारा कैमरा तो भाई इनका चलता नहीं यार, हमने लगा तो रखे हैं, ऐसी है किसकी जिम्मेवारी है भाई, इनका पार्किंग की सुविधा है। अब भाई एक बात बताओ, अब पार्किंग के लिए मतलब ये तो फिर कंपलसरी कर दिया ना अपना बिजनेस बनाने के लिए, भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं, कैमरे बंद है पार्किंग कराओ वरना हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब भाई मोटरसाइकिल अगर बाइक नहीं मिली तो यार। अच्छा, पुलिस प्रशासन को इतला कर दिया? हाँ, प्रशासन को कहा था भाई, 112 नंबर पे भी कॉल किया था, फिर उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट लिखवाओ 21 सेक्टर में, अपने सिविल थाना है वहाँ पर रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस वालों ने कह दिया भाई रिपोर्ट दर्ज हो गई। पुलिस तो यार क्या करेगी यार, पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली, अब अगर ऐसा होता तो वो साथ में भी आते, कैमरे भी चेक करवाते पुलिस वाले भी, उन्होंने कैमरे चेक करवाए, बस कह दिया भाई ठीक है रिपोर्ट लिखी गई और अपना भाई मिल जाएगी बता देंगे। तो भाई मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो देखो यार। कौन सी बाइक है भाई? स्प्लेंडर बाइक है, 19 मॉडल है और अभी मतलब नई ली थी, मतलब नई कंडीशन, गुड कंडीशन। नंबर बता दीजिए हमारे बस भाई। नंबर है HR07AB7202। कलर कौन सा? कलर भाई वो पुलिस पट्टी में, मतलब रेड और ब्लैक है ना, जो अभी ट्रेंड में चली हुई स्प्लेंडर की, वो वाली है भाई कलर। आप क्या काम करते हो भाई? मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज, RKSB कॉलेज का। यहाँ पर किसी निजी काम से आए? हाँ जी, निजी काम से आए थे सर। किस समय की घटना है, समय बताइए? समय भाई 11:30 से 12 के बीच में, 11:30 बजे से यहाँ पे पहुँचे थे और 12 बजे तो हम वापिस आ ही गए थे, 12 बजे के आसपास। हमने पहले वहाँ से यहाँ तक काफ़ी देर यार पहले तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की, कही भाई गलती से इधर उधर खड़ी कर दी हो, तब जाके हमने फिर ये स्टेप लिया कि भाई बाइक कन्फर्म चोरी हो गई है। अभी क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन? भाई मांग हमारी यही है कि ये पहली घटना भी नहीं है कि भाई कोई नहीं पहली बार होगी, हर हफ्ते चोरी होती है। आसपास सभी से पूछा, ये भी कह रहे थे कि भाई यहाँ पर खड़ी मत किया करो, मॉल वाले तो ये कह रहे भाई यहाँ पर खड़ी ना करो भाई, हमारी जिम्मेवारी नहीं, आए हफ्ते मोटरसाइकिल चोरी हुआ एडा था उनका, पिछले हफ्ते भी हुई थी, और 10 दिन में उनका कम से कम भाई उनका 10-15 मोटरसाइकिल चोरी होगी। तो भाई फिर मैं 10-15 मोटरसाइकिल चोरी हुई, फिर तारा फायदा क्यों हो रहा, तारी ड्यूटी भी लग रही है सब कुछ है, तो फिर तारा फायदा क्या? 10-15 एक तो भाई एक दो घटना भी नहीं हुई, 10-15 सारे उस साइड वाले भी सभी कह रहे हैं भाई ये अब हर हफ्ता मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, तो फिर भाई तक ये कड़े रह गए फिर। पर कमरे आगे फायदा यार, क्यों कमरे लग रहे हैं कमरे यहाँ तो फिर कोई फायदा है को नहीं, जो तो कमरे चल रहे हैं कि मैं कार्रवाई हो कैमरे में बेरा पट्टा तो फायदा है, तो फिर लगाने का कैमरे का तो कोई फायदा है जो फिर यार कैमरे ने। इन घटनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन पर और मॉल के प्रबंधक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आए दिन हफ्ते में 4-5 बाइकें चोरी होती है, कहीं ना कहीं सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है यार, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे।
जो कि कई सौ सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें सौ सौ करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस सत्ता। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा किसान कर्मचारी छोटे व्यापारी मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834-800-800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए।